अरे बनवारी, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटर प्रूफ मछलियाँ होनी चाहिए, और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए। और अरे क्या था एक... अच्छा चल, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय बाय। ईशान किशन आईपीएल 2022 के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, और आवेश खान आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर हैं। इस ऑक्शन में कई सारे रिकॉर्ड्स बने। इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा प्लेयर्स 10 करोड़ के ऊपर गए। इस ऑक्शन में पहली बार एक अनकैप्ड प्लेयर 10 करोड़ तक पहुंचा। दीपक चहर आज तक के सबसे एक्सपेंसिव इंडियन फास्ट बॉलर बने, और ईशान किशन आज तक की हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव विकेट कीपर बैट्समैन बने। और इस बार भाई मुंबई इंडियंस तो पता ही नहीं क्या कर रही थी। उन्होंने पूरे दिन में सिर्फ 4 ही प्लेयर्स खरीदे, जिनमें से पहले 6 घंटे में तो सिर्फ 2 ही प्लेयर खरीदे थे, और अभी तक उनके टोटल सिर्फ 7 ही प्लेयर हैं, यानी कि अब कल के दिन में उन्हें 13 से 14 प्लेयर खरीदने होंगे। तो मुझे नहीं पता वो किसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का पहला दिन तो बहुत खराब गया था ऑक्शन में। और सबसे अच्छे दिन की बात करें तो दिल्ली और लखनऊ की टीमों के सबसे अच्छे दिन गए थे, इन दोनों टीमों ने सबसे अच्छे पिक्स किए हैं। और यार ऑक्शन में एक अजीब चीज ये हुई कि बैट्समैन बॉलर्स ऑलराउंडर्स ये सब तो 10-10 करोड़ तक जा रहे थे, लेकिन जैसे स्पिनर्स का सेट आया तो कोई खरीद ही नहीं रहा था स्पिनर्स। पहले तीनों स्पिनर्स तो अनसोल्ड गए। चौथे नंबर पे है कुलदीप यादव, तो कुलदीप यादव को भी पहले 5 सेकंड तक किसी ने नहीं खरीदा था, तो मेरे को तो ऐसे धक-धक हो रहा था। लेकिन आखिरी में फिर दिल्ली ने खरीद लिया 2 करोड़ की प्राइस पे। मतलब दिल्ली कुलदीप के लिए अच्छी टीम रहने वाली है, उनको खेलने का मौका भी मिलेगा, और होपफुली अब वो इंडियन टीम में भी वापसी कर जाएंगे इस आईपीएल के बाद, अगर ये आईपीएल उनका अच्छा जाता है तो। और कल ऑक्शन में बहुत सारे प्लेयर 10 करोड़ तक गए थे, लेकिन जो सबसे शॉकिंग मुझे लगा वो था निकोलस पुरन। 10.75 करोड़ में बिके, एसआरएच ने उन्हें खरीदा है 10.75 करोड़ में। और मतलब ना ही तो अभी वो इंटरनेशनल फॉर्म मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, और ना ही पिछले आईपीएल में अच्छा किया था। 4 डक्स बनाए थे उन्होंने पिछले आईपीएल सीजन में, फिर भी 10.75 में खरीदा है। मुझे तो ये बिल्कुल ही बेकार पिक लगा है। हो सकता है पुरन भी मैक्सवेल की तरह एक साल में ही वो अच्छा खेलने लग जाए, जैसे मैक्सवेल का 2020 का खराब गया था, 21 में वो काफी अच्छा खेले थे। और अगर ऑक्शन की और शॉकिंग चीजों की बात करें तो उनमें एक तो था मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना अनसोल्ड रह गए। हो सकता है डे 2 पे उनको कोई खरीद ले, लेकिन डे 1 पे तो वो अनसोल्ड थे, चेन्नई ने भी उन्हें वापस नहीं खरीदा। और पूरे ऑक्शन में स्पिनर्स की डिमांड बहुत कम थी, सिर्फ कुछ ही स्पिनर्स बिके, और युजवेंद्र चहल सिर्फ 6 करोड़ में बिक गया। मतलब 10 करोड़ तक तो मुझे लगा था वो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 6 करोड़ में बिक गए। और मुंबई और आरसीबी दोनों ने युजवेंद्र चहल और राहुल चहल दोनों को ही वापस नहीं खरीदा, ये काफी अजीब चीज लगी मेरे को। और बुरा मुझे लग रहा है फेफ डू प्लेसिस के लिए, वो आराम से सीएसके में थे, ट्रॉफी जीतते रहते थे। अब आरसीबी ने उनको खरीदा है, तो अब तो शायद ही कभी उनको ट्रॉफी छूने मिलेगी। अब खैर पूरे ऑक्शन की सबसे इंटरेस्टिंग चीजें थी दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या एक टीम में आ गए, और बटलर और अश्विन एक टीम में आ गए। तो अब इस साल आईपीएल में मजा आने वाला है सिर्फ इन चारों लोगों को देख के, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या और बटलर और अश्विन। बटलर और अश्विन की तो आप सब जानते हो मार्केटिंग वाली कहानी, अगर हुड्डा और पांड्या की नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि पिछले साल ये दोनों बड़ौदा की टीम से खेलते हैं, तो इन दोनों की पिछले साल लड़ाई हो गई थी, और वो लड़ाई इतनी बड़ी थी कि दीपक हुड्डा ने तो बड़ौदा की टीम ही छोड़ दी थी, अब वो दूसरी टीम के लिए खेलते हैं रणजी ट्रॉफी से भी। तो अब ये दोनों जब साथ में खेलेंगे तो मजा आने वाला है, और साथ में बटलर और अश्विन भी। और आईपीएल ऑक्शन के डे 1 के दौरान एक अजीब इंसिडेंट हुआ, जो तो आईपीएल ऑक्शनर जो थे ह्यूज एडमिट्स, उनको पता नहीं कोई स्ट्रोक आया था या चक्कर आया था, वो बीच ऑक्शन में जमीन पे गिर गए थे, और फिर तब करीब 1-1.5 घंटे के लिए ऑक्शन रुका हुआ था। फिर एक नए ऑक्शनर को बुलाया था चारू शर्मा जी को, फिर उन्होंने ऑक्शन कंटिन्यू किया, और अभी तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ह्यूज एडमिट्स अब बिल्कुल ठीक है, बस वो उनको थोड़ा सा तब चक्कर आया था और कुछ नहीं हुआ था। CSK bidders when players under 30 exist, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं आई एम आउट भाई। CSK के प्लेयर्स क्या, उनके तो जो वो स्टाफ मेंबर्स बैठे थे ऑक्शन में वो भी सब 60 प्लस लग रहे थे, मतलब स्टाफ 60 प्लस और प्लेयर्स 30 प्लस, यही चलता है CSK का। तो डेविड वार्नर वॉचिंग एट द प्लेयर बींग सोल्ड फॉर 8-9 करोड़, एंड मतलब T20 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट सिर्फ 6.25 करोड़ में बिक गया, और अनकैप्ड प्लेयर्स 10-10 करोड़ तक जा रहे थे। Delhi people are known to strike a bargain, but getting David Warner for just 6.25 crore is a Sarojini Nagar market level bargain. Fab Duplessis after being sold to RCB, let me get close to it one last time. 3 times more people are watching the live broadcast of IPL auction than the entire Pakistan Super League. और एक फनी चीज ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में एक टीम के कोच है एंडी फ्लावर,
और अभी वो लखनऊ सुपर जायंट्स के भी कोच है, तो वो अपनी टीम को बीच टूर्नामेंट में छोड़ के आगे सिर्फ ऑक्शन अटेंड कर, मतलब सिर्फ ऑक्शन के लिए वो अपनी टीम को ही छोड़ा है आधे टूर्नामेंट के बीच में। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। नो कॉन्टेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स ने बटलर और अश्विन के लिए डाला था। राजस्थान रॉयल्स गॉट द बेस्ट एडमिन अमंग ऑल द फ्रेंचाइज़। सही में राजस्थान रॉयल्स मेरे को सबसे कम पसंद है टीम, लेकिन इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल जो भी आदमी चलाता है ना वो मेरा फेवरेट है। राजस्थान रॉयल्स के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स मेरे फेवरेट है सभी आईपीएल टीम्स में। बटलर एंड अश्विन इन ड्रेसिंग रूम when you released one of your main players and bought him back at half the price of his previous salary. This is business. I am a businessman. Pat Cummins की बात हो रही है। Pat Cummins sold to KKR for 7.25 crore against rupees 15.50 crore last year. साला मेरे को इस बार आधा दिया। सुरेश रैना goes unsold. CSK fans, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हो सकता है रैना को day two पे कोई ना कोई buyer तो मिल ही जाएगा। Unsold तो वो नहीं जाने वाले शायद। कृणाल पांड्या बीइंग एंग्री ऑन गौतम गंभीर फॉर बाइंग दीपक हुड्डा इन द सेम टीम। Hey Ash, Josh here. Don't worry, I'm inside the crease. Can't wait to see you in pink for the Royals. Look forward to sharing a dressing room with you. Halabala.